भारतीय ऑलराउंडर विजय शंकर चोट से उभरने के बाद शुक्रवार को तमिलनाडु प्रीमियर लीग में खेलने के लिए उतरे। चोटिल होने के कारण उन्हें वर्ल्ड कप के बीच से बाहर होना पड़ा था। शंकर ने चौथे सत्र में TNPL में पदार्पण किया। TNPL में वे अपने पहले मैच में केवल 3 रन बना सके, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने अपना लाजवाब प्रदर्शन दिखाया। तिरुनल वैली में पूर्व चैंपियन चेन्नई सुपर गिलिस की तरफ से वह टूटी पैट्रियट्स के खिलाफ खेलने के लिए उतरे। TNPL में उन्होंने केवल 3 रन बनाए और 3.5 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट लिए। उन्होंने पहली ही गेंद पर ही विकेट हासिल किया। भारत ए की तरफ से खेलने और चोट की वजह से वह TNPL में पहले 3 सत्र में नहीं खेल पाए थे। बता दें, ये ऑलराउंडर ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में 3 मैच खेलने के बाद चोटिल हो गया था। उन्हें पाव की चोट के कारण बाहर होना पड़ा था। वर्ल्ड कप में विजय शंकर खास प्रदर्शन नहीं कर सके। उन्हें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज के खिलाफ अंतिम 11 में शामिल होने का मौका मिला। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बल्ले से नाबाद 15 रन बनाने के साथ गेंदबाजी करते हुए 22 रन देकर 2 विकेट झटके थे। वहीं अफगानिस्तान के खिलाफ वो 29 और वेस्टइंडीज के खिलाफ 14 रन की पारी खेल सके, जबकि गेंदबाजी में कोई सफलता हाथ नहीं लगी। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे क्रिकेट केसरी। अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर आप ये वीडियो हमारी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। करण खुराना, पंजाब केसरी, दिल्ली।